उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ग्रेजुएशन थर्ड ईयर या फाइनल ईयर या फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी इनके परिणाम तीस सितंबर 2021 तक जारी किए जाएंगे तो वहीं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा अगली कक्षा में ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा तो वही दस जुलाई दो से ऑनलाइन टीचिंग भी प्रारंभ की 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 जाएगी कोविड परिस्थिति सामान्य होने पर ईयर के विद्यार्थियों परीक्षाएं सुविधा अनुसार ऑब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर आयोजित कर 31 दिसंबर 2021 तक उसके परिणाम भी घोषित किए जाएंगे मंत्री भाटी ने बताया कि जिन कोर्सेज जिन संकाय और जिन विषयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है और यूनिवर्सिटी के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर करवाई जा सकती है और इसी प्रकार से व्यवसायिक पाठ्यक्रम और सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड पर आयोजित करवाई जा सकती है उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रश्न पत्रों में यूनिट की बाध्यता हटाते हुए परीक्षा की अवधि तीन घंटे के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र डेढ़ घंटे की रखी जाएगी तो वही पोस्ट ग्रेजुएशन प्रीवियस के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और टीचिंग 10 जुलाई 2021 से प्रारंभ की जाएगी हालात अगर सामान्य हुए तो परीक्षाएं आयोजित कर इकतीस दिसंबर तक उनके परिणाम भी जारी किए जाएंगे और साथ ही फाइनल ईयर के परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह तक या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन आयोजित की जा सकेंगी जिनके परिणाम 30 सितंबर 2021 तक जारी किए जाएंगे